साल 2001 में दिल्ली में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे मंकी मैन के बारे में ना पता हो। उन दिनों उस लंबे काले बंदर जैसे दानव की अफवाहें शहर में आग की तरह फैली हुई थी। हर कोई दावा करता था कि उसने मंकी मैन को देखा है और ये 100% सच था। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से मंकी मैन को देखा था, एक बार नहीं कई बार। गर्मी का मौसम था, स्कूल की छुट्टियां थीं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादाजी के घर आनंद विहार आया हुआ था। वहां मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा दिया था। उस कमरे में एक खिड़की थी जिससे मोहल्ले का अच्छा खासा व्यू दिखता था। हर रात को सोने से पहले मैं उस खिड़की के पास बैठता और अपनी किताब पढ़ता रहता। ऐसे ही एक रात जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे मंकी मैन पहली बार दिखा। मैं खिड़की के पास एक नई नॉवल लेके बैठा था। मेरी आंखें सुस्त हो रही थीं और मैं बस झपकी लेने ही वाला था कि मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ दिखाई दिया। पास वाली बिल्डिंग के दीवार पर कुछ बड़ा सा काला सा जीव बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, पीठ सीधी की और बाहर झांक के देखा। बाहर का नजारा देख मेरा खून मेरी नसों में सूख गया। जब मैंने एक काले बंदर जैसे जानवर को बिल्डिंग के पाइप से ऊपर चढ़ते हुए देखा, मंकी मैन। मैंने उसके बारे में कहानियां तो जरूर सुनी थीं, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो कहानियां सच हो सकती थीं। वो करीब 7 फुट लंबा था। उसका शरीर घने काले बालों से भरा हुआ था। उसे देख मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब वो छत पर चढ़ा और सीधा उठकर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर आ गिरी। चाकू सी नुकीली हड्डियां, नरम चमड़ी और आंखें जो चांदनी में चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बंदर के सर में किसी ने जबरदस्ती इंसान का चेहरा घुसा दिया हो। लेकिन मैं मंकी मैन को कुछ ही पल देख पाया था क्योंकि वो मुड़कर छत से कूदकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने अपने परिवार को उसके बारे में बताने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा मैं अटेंशन के लिए मंकी मैन के बारे में कोई मजाक कर रहा हूं। यहां तक कि पापा ने मुझे डांट लगा दी और कहा कि अब मेरी ये सब मजाक करने की उम्र नहीं रही है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने सच में मंकी मैन को देखा था। उस दिन के बाद से मंकी मैन का जुनून मुझ पर सवार हो गया। अखबार में आई कोई खबर हो या गलियों में बहती कोई अफवाह, मुझे जहां भी उसके बारे में कोई जानकारी मिलती मैं वहां फट से पहुंच जाता। यहां तक कि अगर कहीं उसके दिखने की बात हुई होती तो मैं मौका मिलते ही वहां पहुंच जाता। मेरी इन कोशिशों की वजह से मुझे मंकी मैन कई बार दिखा, छत पर, ब्रिज के नीचे और एक बार एक अंडरग्राउंड पार्किंग में भी। मैंने जितना उसे देखा उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक ऐसा जानवर है जो अपने घर से बहुत दूर आ गया है और अब हम इंसानों की दुनिया में कहीं खो गया है। लेकिन मेरा ऐसा फील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम इंसानों के लिए तो वो बस एक राक्षस ही था। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार किसी मासूम को चोट पहुंचाते देखा था। देर रात थी, मैं अपनी खिड़की के पास बाइनोकुलर्स लेके बैठा था। मैंने उसे एक बिल्डिंग की छत पर देखा। उसके पीछे पटाखे फट रहे थे और वो उस शोर से डर के वहां से भाग रहा था। एक छत से दूसरी छत कूद कूद के उन लोगों से दूर भाग रहा था। भागते भागते उसके रास्ते में एक ऐसी छत आई जिस पर एक बुजुर्ग आदमी सैर कर रहा था।
मंकी मैन कूद कर उस छत पर आया और उसे देखकर वो बुजुर्ग आदमी घबरा उठा। मंकी मैन उस पर गुर्राया और उस बुजुर्ग आदमी का संतुलन बिगड़ गया। वो छत से सीधा जमीन पर 6 फ्लोर नीचे आ गिरा। उसकी चीखें और उसकी जमीन पर गिरने की आवाज मुझे आज तक याद है। ये पहली बार था जब मैंने अपने सामने किसी को मरते हुए देखा था। सुबह उस बुजुर्ग आदमी की बिल्डिंग के पास खड़ी भीड़ और एम्बुलेंस को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपने पेरेंट्स को उसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर इसलिए भी कि मैं वो देखकर बुरी तरह डर चुका था। उस दिन के बाद से मैंने मंकी मैन को ढूंढना एकदम बंद कर दिया, जितना हो सके उससे दूर रहने का सोचा। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी रात में उसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों तक पहुंच ही जाती थी। उसके किस्से और ज्यादा खतरनाक होते चले गए। सुनने में आ रहा था कि उसकी वजह से और लोगों की भी मौतें हुई थीं। अब मैं उसके नाम से काफी ज्यादा घबराने लगा था। एक शाम की बात थी, सूरज धुंध में डूब रहा था और मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के अपने दादाजी के घर वापस आ रहा था। मेरे घर के पास की गली जिससे मैं गुजर रहा था, वहां कोई भी इंसान नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। उस गली में अचानक मुझे एक बड़ी सी परछाई मेरे पीछे चलती नजर आई। मैं पीछे मुड़ा तो और कोई नहीं, वो मंकी मैन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। ये देखकर मैं कांप उठा और वहीं जम सा गया। मैं घबराहट के मारे आगे चल ही नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे मेरे पास ही आ रहा था। अचानक वो मेरे ठीक सामने आया और उठकर खड़ा हो गया। वो मुझे घूर कर देख रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। उस रात वो मंकी मैन बेहद गुस्से में लग रहा था। अचानक वो मुझे देखकर एक अजीब तरीके से गुर्राने लगा। उसकी आवाज सुनकर मैं फुल स्पीड पर वहां से भागा। वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं जैसे तैसे गली के एक अनजान मकान में जाकर छुप गया। वो उस मकान तक आया लेकिन फिर पास वाली दीवार चढ़कर मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में घुसते ही घबराहट के मारे रोने लगा। तभी मैंने फिर से मंकी मैन के जोरों से गुर्राने की आवाज सुनी। उस रात फिर से मैंने अपनी खिड़की से उसको देखा। मंकी मैन मेरे बराबर वाली बिल्डिंग की छत पर खड़ा एक आदमी को बेरहमी से नोच रहा था। वो आदमी भी डर के मारे जोरों से चिल्ला रहा था। उसने उस आदमी के चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। मोहल्ले में शोर होने लगा, घरों की लाइटें ऑन होने लगी, लोग बाहर आने लगे ये देखने के लिए कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। उन्हें मंकी मैन नहीं मिला क्योंकि वो पहले ही ऊपर छत पर चढ़ के अंधेरे में गायब हो चुका था। उस रात के बाद से मंकी मैन मुझे फिर कभी नहीं दिखा और समय के साथ वो बस एक हॉरर लेजेंड बनकर रह गया। लेकिन मुझे कुछ सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। कौन था वो, कहां से आया था और फिर अचानक कहां गायब हो गया? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर लिखकर हमें बताइए। ये कहानी एक मशहूर हॉरर राइटर विक्रम मान ने हमें भेजी है। विक्रम मान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर बुक भी लिखी है जिसका नाम है अनक्लीन स्पिरिट्स, जिसमें आप कई सारी डरावनी हॉरर स्टोरीज पढ़ सकते हैं। ये बुक Amazon पर अवेलेबल है। इस बुक को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर आपको मंकी मैन का ये हॉरर लेजेंड पसंद आया तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट करिए अगले हफ्ते का एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के लिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।